जब्त एंड जमींदार, तो व्हाट वाज द बेटा जब्त सिस्टम, जब्त एंड जमींदार। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जब्त एंड जमींदार। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जब्त, जमींदार एंड मुगल। तो दिस वर द थ्री पर्सन। जब्त क्या है, विल डिस्कस व्हाट इज और द जमींदार एंड मुगल। तो जब्त इज द रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू सिस्टम। जब्त एक तरह से एक रेवेन्यू सिस्टम था। जब्त इज द वे ऑफ टू कलेक्ट द रेवेन्यू सिस्टम। तो जब्त वाज द रेवेन्यू सिस्टम एंड और द जमींदार बोथ पर्सन हु कलेक्ट द टैक्सेस। और मोर द जमींदार दोस मोर कलेक्ट द टैक्सेस दे नोन बाय द जमींदार। ओके एंड मोर द मुगल्स रूलर। मुगल कौन थे? रूलर। तो जब वाज द सिस्टम टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड इट वाज कलेक्टेड थ्रू द जब सिस्टम एंड इट वाज कलेक्टेड बाय द जमींदार और लेटर ऑन लेट ऑन इट एंड एंड ओवर टू द मुगल रूलर्स। तो दिस वर द थ्री पर्सन। तो जमींदार वर द मेडिटर। ये मेडिटर थे हु कलेक्ट द रेवेन्यू। दे वर द मेडिटर हु कलेक्ट द रेवेन्यू। दैट वाज द पर्सन हु कलेक्ट द रेवेन्यू। तो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट वाज द जब्त। जमींदार ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। तो व्हाट वाज द जब्त सिस्टम। तो जब्त वाज द रेवेन्यू सिस्टम। इट वाज द रेवेन्यू सिस्टम। अब यू नो ड्यूरिंग द मुगल रूलर हाउ दे एस्टेब्लिश द न्यू रेवेन्यू सिस्टम। तो ड्यूरिंग द अकबर ये रेवेन्यू मिनिस्टर नेम वाज द टोडल महल। टोडल महल उनके रेवेन्यू मिनिस्टर थे। जैसे कि यू नो नौ रत्न होते हैं, उनके नौ रत्न हम बताते हैं, जैसे बीरबल है, टोडरमल है। इस टाइप के नौ रत्नों में एक टोडरमल भी उनमें से एक थे। ओके तो टोडरमल वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर। तो व्हाट टोडरमल है डिसाइडेड ही स्टार्टेड द सर्वे। उन्होंने क्या क्या पहले एक पर्टिकुलर लैंड और एरिया का सर्वे किया। सर्वे मतलब इंस्पेक्शन। सर्वे मतलब होता है इंस्पेक्शन करना, जांच करना। ओके तो ही स्टार्टेड द सर्वे ऑफ पर्टिकुलर एरियाज मींस द प्रोविनेंस और मे बी द सच रियासत। तो ही स्टार्टेड द सर्वे, रेवेन्यू सर्वे स्टार्ट किया और थ्रू दिस सर्वे दे फाइंड आउट कि व्हाट टाइप ऑफ द ईयर, मतलब सीड्स कौन से ग्रो की जाते हैं, कौन सी क्रॉप ग्रो की जाते हैं इन दिस एरिया। वो फाइंड आउट किया कौन से सीड्स यूज किए जाते हैं, क्रॉप की प्राइस क्या रहती है, प्राइस फाइंड आउट की कि क्या प्राइस मिलते हैं फार्मर और पेजेंट्स को। क्रॉप कौन सी क्रॉप ग्रोथ इन पर्टिकुलर एरिया। तो थ्रू दिस सर्वे दे फाइंड आउट द एरिया, क्रॉप सीजन कितने सीजन के लिए होते हैं, कि दे आर टेकिंग टू और थ्री क्रॉप। जैसे एक जो सीजन होता है ना एग्रीकल्चर सीजन, तो इन एग्रीकल्चर सीजन वी कैन टेक द थ्री क्रॉप। थ्री सीजन होते हैं, वन इज द खरीफ सीजन, रबी सीजन एंड जैद सीजन। तो दिस आर नॉट इन योर सिलेबस, बट खरीफ सीजन दोस क्रॉप वी सोविंग आफ्टर द मंथ ऑफ मई और जून, यानी ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून। जब मानसून आता है जो क्रॉप हम सोविंग करते हैं दैट इज ओनली द खरीफ सीजन। फिर उसके बाद नवंबर मंथ में जो क्रॉप हम सोविंग करते हैं बोते हैं दैट इज ओनली द रबी सीजन। और जो क्रॉप हम शॉर्ट समर सीजन में लेते हैं अप्रैल मई और मई जून के बीच में फॉर ए शॉर्ट पीरियड दैट इज नोन एज द जेड सीजन, जेड ए आई डी। तो दिस टाइप ऑफ सीजन मतलब व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो इन पर्टिकुलर सीजन क्या होती है। तो दिस सर्वे वाज डन बाय द टोडरमल। टोडरमल ने यह सर्वे किया। हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द अकबर पीरियड, जो अकबर पीरियड में रेवेन्यू मिनिस्टर थे। ओके तो दिस सर्वे वाज डन बाय द लास्ट 10 ईयर, लास्ट 10 ईयर्स के डेटा कलेक्ट किए।
लास्ट 10 इयर्स में क्या क्या यहाँ पे क्रॉप ग्रोथ है, विच टाइप ऑफ सीड्स यूज बाय द फार्मर्स, व्हाट प्राइसेस, क्या प्राइस क्रॉप की होती है, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप दे आर सोइंग मींस द सीजन एंड टैक्सेस आल्सो, क्या टैक्सेस वो देते हैं, रेवेन्यू टैक्सेस। ओके, तो दिस सर्वे वर्क पर लास्ट 10 इयर्स, पूरे लास्ट 10 इयर्स का पूरा सर्वे किया गया, और उस सर्वे आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द सर्वे, सर्वे के बाद डिसाइड किया कि इन दैट एरिया, सपोज ए मुगल एम्पायर है, तो इन दिस एरिया देयर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, जैसे टैक्स और तो वैरायटी रहेगी, यहां पे डिफरेंट टाइप टैक्सेस होगा, वन टाइप का टैक्सेस होगा। इन दैट एरिया क्रॉप लेस ग्रो होती है, देयर इज नो सच इरिगेशन फैसिलिटीज, इस सर्वे में यहां टैक्स अलग कैटेगरी का होगा, डिफरेंट टैक्सेस टाइप हो जाएगा, डिफरेंट टैक्सेस होगा। एक एरिया जो इरिगेशन और फर्टाइल सोइल अवेलेबल है, लाइक ए नॉर्दर्न प्लेन्स फर्टाइल सोइल है, तो यहाँ टैक्स कंपल्सरी हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस ये वन भी हो सकता है, वापस सेम लेट आ जाए। तो यू नो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस वाज कलेक्टेड ड्यूरिंग द अकबर पीरियड, यानी हर पूरे मुगल पीरियड से एक टाइप का टैक्सेस नहीं लेके डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, कि फार्मर कितनी प्राइस पे अपनी क्रॉप को सेल करते हैं, व्हाट क्रॉप दे आर ग्रोइंग, व्हाट रेवेन्यू टैक्स दे आर पेइंग, तो दिस टाइप ऑफ डेटा वाज कलेक्टेड एंड ऑन द बेस ऑफ टैक्सेस वाज डिसाइडेड, इस बेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस डिसाइडेड हुआ बाय द टोटल मल, तो दिस सिस्टम वाज नोन एज द जब्त सिस्टम, इसको क्या कहा जाता है, जब्त सिस्टम कहा जाता है। तो दिस सिस्टम वाज नोन एज द जब्त सिस्टम। हैव एनी डाउट बेटा दक्ष and related to Jabt, chalo later on I will repeat. Ab what was the problem with the Jabt system, ab hum ye bhi discuss karenge ki Jabt system mein kya problem thi. To sometime you know what happens, to zamindars who collect the taxes, zamindars who collect the taxes, तो sometimes they do the malpractices, मतलब cheating करते थे, they do the malpractices, cheating करते थे, तो किस type की cheating, sometimes they take the money from the peasants, बहुत सी बार peasants से पैसा ले लिया जाता था, sometimes they may be torture the peasants, farmers को इनको परेशान किया जाता था, peasants को इनको torture किया जाता था, corruption बढ़ता था, तो दे इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ, वो अपना पावर बढ़ाते थे, कौन, जमींदार, और सम टाइम वेन जमींदार आर मोर पावरफुल, जब जमींदार ज्यादा पावरफुल हो जाते थे, कि उन पर्सन अपॉइंट द जमींदार, यानी जिस कम्युनिटी के लोग जिस एरिया में रह रहे उसी कम्युनिटी का क्या होगा, यहां पे जमींदार होगा, सपोज इन दैट एरिया राजपूत आर लिविंग, राजपूत रह रहे, तो वो बिकम ए जमींदार, मोस्ट ऑफ कौन होते थे, यानी कोई राजपूत लीडर ही यहाँ का एक जमींदार होगा, तो सम टाइम विद द सपोर्ट ऑफ दिस कम्युनिटी दे स्टार्ट द रेबेलियन अगेंस्ट द मुगल्स, तो मुगल्स के अगेंस्ट में कभी कभी वो रेबेलियन और विद्रो स्टार्ट कर देते थे, तो दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम। तो टुडे डियर वी हैव डिस्कस्ड द जब्त जमींदार सिस्टम, व्हाट वाज द जब्त सिस्टम, तो वी हैव डिस्कस्ड जब्त वाज द डिफरेंट रेवेन्यू सिस्टम कलेक्टेड बाय मुगल्स, कि मुगल्स कैसे इसको कलेक्टेड करते थे रेवेन्यू सिस्टम को। ड्यूरिंग द अकबर पीरियड हाउ द टोडरमल डिसाइडेड और कंडक्टेड द सर्वे, आफ्टर सर्वे यू नो लास्ट 10 ईयर डेटा वर कलेक्टेड, और व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप दे आर ग्रोइंग, व्हिच टाइप ऑफ रेवेन्यू दे आर कलेक्टिंग, व्हाट आर द प्राइस फॉर अ क्राइ फार्मर आर गेटिंग, तो दिस ऑल द डेटास वर कलेक्टेड इन सर्वे, और लेटर ऑन ऑन द बेसिस ऑफ डेट सर्वे वाज डिसाइडेड, सर्वे डिसाइड हुआ था उसी बेस पे उनका टैक्स डिसाइड हुआ, सपोज कोई एरिया ऐसा बेटा, अब सेम टाइप टैक्सेस अगर ये लेंगे, सपोज दिस एरिया, तो यू नो डेजर्ट पार्ट है, तो डेजर्ट पे यू नो क्रॉप ग्रो नहीं होगी, तो डेजर्ट पे क्रॉप ग्रो नहीं होगी, तो वहां टैक्सेस कैसा होगा, कम होगा, देयर इज द लेस टैक्सेस कंपेयर्ड टू अदर एरिया, और एक नॉर्दर्न प्लेन एरिया वेयर द फर्टाइल सोइल है, नॉर्दर्न प्लेन, तो यहाँ पे क्रॉप अच्छी ग्रो होगी, तो यहाँ क्या होगा, टैक्सेस ज्यादा होगा, तो उन्होंने हर एरिया का टैक्सेस डिसाइड किया, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, लेकिन टू स्टेट ऐसे थे जो इन जब्त सिस्टम में नहीं आते थे, दिस वर द गुजरात एंड बंगाल, क्यों नहीं आते थे,
because both are located on the borders. So I hope today we have completed our topic, or this topic again I am repeating because the two student has joined later on. So I am repeating through the slides. So see, just a bit. Are you able to see the slide? Yes, sir. Okay, beta. Yes, sir. So, Jabt and Jamidar, today we are going to start again. I am repeating this topic. So, Jabt, Jamidar, and Empire. So, Jabt was the revenue system. It was the where out of the revenue collected. Or Jamidar, who are the Jamidar? All the intermediate. Intermediate means the who collect the revenue from the peasants. जो पेजेंट से रेवेन्यू कलेक्टेड करते थे और किसको हैंड ओवर करते थे, दे हैंड ओवर टू द एम्पायर, एम्पायर मतलब मुगल्स. तो दे कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स थ्रू द रेवेन्यू सिस्टम एंड हैंड ओवर टू द एम्पायर और मुगल्स. और हम आप डिस्कस करते हैं कि दे कलेक्ट द रेवेन्यू एंड हैंड ओवर टू द एम्पायर, तो व्हाई रेवेन्यू वाज रिक्वायर्ड, रेवेन्यू क्यों चाहिए. बेटा रेवेन्यू इसलिए चाहिए कि विदाउट टैक्सेस हाउ द गवर्नमेंट विल रन. तो ऐसे अगर टैक्स नहीं आएगा तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में वी कांट रन द गवर्नमेंट. तो ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर इफ देयर इज नो सच रेवेन्यू कलेक्शन, तो हाउ दे रूल और हाउ दे फॉर्म देयर मिलिट्री कैंपेन, हाउ दे एस्टेब्लिश देयर किंगडम्स. तो व्हाई रेवेन्यू आर रिक्वायर्ड, तो देयर इज द रीजन गिवन, द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू द मुगल रूलर वॉज द टैक्स और ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पेजेंट्री, मतलब फार्मर्स जो प्रोडक्शन करते थे वो, और ये टैक्स सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, यानी ये मुगल की इनकम का सोर्स था. दैट्स व्हाई रेवेन्यू वाज रिक्वायर्ड, इट वाज द सोर्स ऑफ इनकम. इसी इनकम से वो क्या करते थे, दे फाउंड द वार, दे मेंटेन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, दे कंस्ट्रक्ट द पोर्ट लाइक ए ताजमहल, यू नो ये जामा मस्जिद, रेड फोर्ट इन आगरा, रेड फोर्ट इन दिल्ली. तो दिस आर द बिल्डिंग मोनूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द व्हेन अ इनकम सोर्स हो गए, तो दिस वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. नेक्स्ट जब्त एंड जमींदार, तो हाउ दे डिसाइडेड द जब्त, तो अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर नेम वाज द टोडरमल, आई हैव गिवन इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम. अब कैसे इंट्रोड्यूस किया, कैरिड आउट द केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप और रियल सीड्स का और क्रॉप का सर्वे किया, क्या प्राइसेस फार्मर को मिलते थे, आल्सो इंक्लूड द प्राइसेस आल्सो एंड एरिया कल्टीवेटेड ए 10 ईयर पीरियड, की 10 ईयर पीरियड में कितना एरिया कल्टीवेटेड हुआ, कितना एरिया पे क्रॉप ग्रो करते हैं. सपोज एज फार्मर, जैसे सपोज आई हैव द 100 बीघा लैंड बट मैं 50 बीघा पे कल्टीवेशन करता हूँ, 50 बीघा पे देयर इज नो सच इरीगेशन फैसिलिटी, तो टैक्सेस जो टैक्सेस में पे करूंगा इट नॉट ऑन 100 बीघा, इट आई पे ओनली द 50 बीघा. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा टैक्सेस वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन केस लिसन, और दिस सिस्टम वाज नोन एज द जब्त सिस्टम. अब जब्त एंड जमींदार, तो ईच प्रोविनेंसेस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल, जैसे मैंने टैक्स नंबर 1, टैक्स नंबर 2 जो आपको एक्सप्लेन किया, तो ऑल different empire divided into the different revenue circles or having the special schedule for revenue rates for individual crop. yani har crop ke liye alag se ek revenue bana diya gaya ki is crop pe itna tax hai, is crop pe itna tax hai, or this system was known as the Jabt system, or it carried out in areas under the administration of Mughals, and this was not possible in provinces such as the Gujarat and Bengal. kyun nahi tha, सिंपल आंसर है, बिकॉज बोथ द स्टेट्स आर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स, दोनों बॉर्डर पे, तो बॉर्डर पे चीजें पॉसिबल नहीं. और जमींदार एंड देयर रोल इन दिस रेवेन्यू सिस्टम सी, तो दिस आर द टू स्टेट बंगाल एंड गुजरात वेयर देयर वर नो सच रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. हाँ, जब्त एंड जमींदार, तो जमींदार और एक्सरसाइज ए ग्रेट डील ऑफ पावर, कैसे ग्रेट डील ऑफ पावर, the exploitation by the Mughal administration could drive them to the rebellion. Sometime they may be start, if the exploitation done by the Mughals on the public, to Jamindar may be started the rebellion. And why
because peasants and zamindar of the some caste group allied in the rebellion against the Mughal authority. जो कम्युनिटी वहां होती थी उसी कम्युनिटी का एक जमींदार होता था, तो दोनों मिलके सेम कम्युनिटी देम में भी स्टार्ट द रेबेलियन अगेंस्ट द मुगल्स. तो दिस वाज द चैलेंज फॉर द मुगल अथॉरिटी टू एस्टेब्लिश देयर किंगडम. एक किंगडम की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए दैट वाज द चैलेंज. तो देयर इज द वन सोर्स आल्सो गिवन कि व्हाट मैलप्रैक्टिसेस done by the different jamindars during the jabt collection. तो एक corrupt officer receiving the bribe, देखो एक officer को दिखाया गया है जो रिश्वत ले रहा है, bribe ले रहा है रिश्वत लेते हुए. Another one is tax collector punishing the poor peasant who unable to pay the taxes. तो this was the happens during the that time also. तो dear student, today we have discussed about the jabt and jamindar. If you have any doubt related to today's topic, you may be asked. No, sir. No, sir. So, okay, dear. Tomorrow we will start the new topic. Can you give the reasons why there is the less?